तो आज की रेसिपी है सुपर यमी सुपर सॉफ्ट ऐसे काला जाम, या फिर आप इसे काला जामुन भी बोल सकते हैं। इसे मैंने स्टफ किया है, इसकी जो लेयर है ओ माय गॉड, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके तीनों लेयर जो हैं एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको दिख रहे होंगे। ऊपर का डार्क लेयर, उसके बाद इसका वाइट लेयर, और उसके बाद इसके स्टफिंग का जो है पोर्शन वो दिख रहा है एकदम क्लियरली, बहुत ही अच्छे से ऊपर से कुक हुए हैं। हमेशा हमें लगता है कि काला जाम या फिर गुलाब जामुन जो है बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, जो बातें मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ, तो पक्का डेफिनेटली आपके गुलाब जामुन कभी भी खराब नहीं होंगे, चाहे वो गुलाब जामुन हो या काला जामुन हो। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा जो है डेसिकेटेड कोकोनट स्प्रिंकल कर रही हूँ। ये ऐसे खाने में भी बहुत ही मज़ेदार लगता है, आप एक बार ज़रूर से ये रेसिपी ट्राई कीजिए मेरी ट्रिक्स के साथ। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दीपावली का त्योहार आने वाला है और आज हम बनाने वाले हैं घर के बने हुए प्रीमिक्स से काला जामुन। जी हाँ, उसी प्रीमिक्स से आप गुलाब जामुन भी बना सकते हैं, दोनों एक दूसरे के काइंड ऑफ भाई ही हैं, आप इजीली बना सकते हैं। इसमें जो टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी वो सीरियसली प्लीज फॉलो कीजिएगा परफेक्ट रेसिपी के लिए, और आपको जो रिजल्ट मिलेगा उसकी गारंटी मैं लेती हूँ बहुत ही अमेजिंग होगा। बहुत ही सस्ता पड़ता है ये प्रीमिक्स घर पे बना हुआ, आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं और बहुत सारी बातें हैं आपसे शेयर करने के लिए जो मैं वीडियो में शेयर करूंगी। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त मनीषा और आप देख रहे हैं सिंपलीफायर कुकिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो काला जाम बनाते समय आपको क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है और क्या क्या मैं टिप्स देने वाली हूँ, तो वीडियो जो है पूरा ध्यान से देखिएगा। तो आज हम सारा जो मेजरमेंट है वो इसी स्पून से करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है 1 कप के करीब मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर हमेशा कोई भी अच्छी ब्रांड का आप ले सकते हैं, मिल्क पाउडर ले लीजिए 1 कप के करीब। अगर आपको कप का ये स्पून का मेजरमेंट कितना है वो देखना है तो वीडियो का लिंक मैं लास्ट में आपको दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैंने इसमें पिंच जितना नमक डाला है और साथ में लिया है मैंने 1/4 चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर, और 2 चम्मच मैंने पूरा भर के लिया है मैदा। तो ये जो मेजरमेंट है एकदम सही मेजरमेंट है, परफेक्ट मेजरमेंट है अगर आप मिल्क पाउडर से गुलाब जामुन बनाना चाहते हैं। तो आज हम जो गुलाब जामुन बना रहे हैं ना उसमें मिल्क पाउडर से हम मावा वगैरह नहीं बनाएंगे, तो बहुत ही इजी पड़ेगा आपको, बहुत ही कम टाइम कंज्यूमिंग है ये। तो पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ये देखिए। अब हम इसमें डालेंगे नेक्स्ट जो है हमारा इंग्रेडिएंट, वो है घी। तो ये घी जो है ना ही ज़्यादा बहुत पिघला हुआ है ना ही बहुत ज़्यादा जमा हुआ है, ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी है, तो इतना मैंने 1 चम्मच भर के इसमें घी ऐड कर दिया है। यहाँ पर सेकेंड मिस्टेक ये बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि आप सोच रहे होंगे कि अगर हम यहाँ घी ज़्यादा ऐड करेंगे तो हमारे गुलाब जामुन ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए, ये जो लड्डू हाथ में बन रहा है ना उतना ही घी चाहिए, उससे एक बूंद भी ज़्यादा घी ऐड नहीं करना है। अगर ऐसा कर दिया तो जब हम डो रेडी करेंगे इसका तो डो हमारा बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है इसका, वो है दूध हम इसमें ऐड करेंगे और दूध से डो लगाएंगे। तो हमें यहाँ पर जो है डो लगाने के लिए हल्का गर्म दूध लेना है, और हल्का गर्म दूध लेके अपने फिंगर की जो आगे की टिप्स है बस वहीं से हमें इसका डो पूरा जो है रेडी करना है। डो रेडी करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर कि आपको बहुत ज़्यादा नीड करना है इसको, थोड़ा थोड़ा आप दूध ऐड करते जाइए। ये देख, सिर्फ और सिर्फ आपको जो मिल्क पाउडर का मिक्सचर है सारा उसे अच्छे से कंबाइन कर, तो जो घी डाला था हमने लास्ट वहाँ तक का अगर हम देखें तो वो आपका प्रीमिक्स रेडी होता है, ठीक है। तो जो आप प्रीमिक्स इतना महंगे महंगे भाव का प्रीमिक्स खरीदते हैं, वही प्रीमिक्स हम 2 मिनट में घर पे बना के आराम से अमेजिंग गुलाब जामुन बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये डो जो है हमारा रेडी हो चुका है, हमने इसे बिल्कुल भी नीड नहीं किया है, 15 मिनट के लिए छोड़ेंगे इसको। नेक्स्ट है चाशनी की बारी। चाशनी के लिए 1 कप चीनी के साथ हम लेंगे 1/2 कप भर के पानी। मोस्टली यहाँ पर मिस्टेक ये होती है कि जितनी चीनी लेते हैं उतना पानी ले लेते हैं, फिर हमें बहुत देर तक बॉईल करना पड़ता है, टाइम भी बहुत लगता है, इसीलिए जितनी चीनी लेंगे उसका 1/2 हम पानी लेंगे। इससे आपको सबसे पहले चीनी मेल्ट हो जाने दीजिए और उसके बाद 5 मिनट तक इसे बॉयल कर लीजिए, परफेक्ट कंसिस्टेंसी मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने लिया है 1 इलायची का पाउडर
और कुछ बूंदे मैंने नींबू की ली हैं। नींबू डालने से आपकी जो चाशनी बनेगी वो जमेगी नहीं, क्रिस्टलाइज नहीं होगी। चाहे आप गुलाब जामुन को फ्रिज में भी रख दें, बिल्कुल भी जमेगा नहीं ये। इलायची पाउडर और नींबू का जो रस है वो दोनों फ्लेम ऑफ करने के बाद में ही इसमें ऐड करेंगे। अब हम चाशनी को साइड में रख देते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस, हम वापस आते हैं हमारे डो पे। तो डो में यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ, हल्का सा हाथों में घी लगाना है, बस ज़्यादा नहीं लगाना है। और इस स्टेज पे भी आपको डो के साथ बिल्कुल भी कुश्ती नहीं करनी है। आपको सिंपल डो को अपने फिंगर की आगे वाली जो पोर्शन होता है वहाँ से आपको इसे पकड़ना है, और इस तरीके से आप इसे स्ट्रेच करके देखिए। ये देखिए, हमने यहाँ पर इसे बहुत ज़्यादा नीड इसीलिए नहीं किया है ताकि हमारा जो हमने इसमें मैदा यूज़ किया है ना, मैदा का ग्लूटन हमें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाहिए इस रेसिपी में। अगर ग्लूटन रिलीज़ हो गया तो हमारे जो गुलाब जामुन बनेंगे वो बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाएंगे। और मैदा डालना भी ज़रूरी है बाइंडिंग के लिए, क्योंकि खोए को डायरेक्ट फ्राई नहीं कर सकते हैं, वो तेल में जाके खुलने लगता है। तो अब यहाँ पर आपको इस तरीके से चेक करना है, और उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके इक्वल पार्ट बना देंगे चार। जितना डो है हमारे पास गुलाब जामुन का, उसके चार हिस्से बनाएंगे। एक हिस्से को हम साइड में रखेंगे और दूसरे हिस्से से मैं आपको यहाँ पर एक गुलाब जामुन ऐसे ही बना के दिखाती हूँ कि किस तरीके का बनाना चाहिए आपको। सबसे पहले कुछ पोर्शन आप अपने हथेलियों के बीच में ले लीजिए, थोड़ा सा दबाव डाल के अगर आप इसे इस तरीके से रोल करेंगे तब जाके ये क्रैक फ्री बॉल रेडी हो जाएगा। ये देखिए, तो इनिशियली थोड़ा सा इसमें हाथ में आप दबाव डालेंगे तो अच्छे से इसकी सारी जो क्रैक्स हैं वो टूट जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट, डो को आपको बहुत ज़्यादा नीड नहीं करना है। जब हमें बॉल बनाना है उसी टाइम पे हमें डो को अच्छे से हाथों के बीच में दबा के और उसका बॉल रेडी करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक पोर्शन लिया था हमने, एक चौथाई वाला हिस्सा जो है इसका, उसमें मैंने ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। साथ में मैंने ली है 5 से 6 इसमें कुटी हुई बादाम, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका ये बनेगा स्टफिंग, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसके जो है इक्वल पोर्शन बना लीजिए और इनके रफ बॉल बना लीजिए। इसमें क्रैक्स अगर हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा, लेकिन जो इसका आउटर लेयर है उसमें क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर कहीं पे क्रैक्स छूट जाती है तो होता ये है कि गुलाब जामुन को जब हम फ्राई करते हैं तो वो जाके फट जाते हैं, इसी वजह से पूरा ऑयल घी जो भी होगा वो पूरा मैस हो जाएगा, वैसा बिल्कुल भी नहीं हो। तो इसी स्टेज पे हमें ध्यान रखना है कि क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से पहले आप इसकी जो सतह है उसे अच्छे से स्मूथ कर लीजिए, उसमें छोटा सा स्टफिंग का बॉल रख दीजिए और उसे अच्छे से चारों तरफ से इस तरीके से बंद कर लीजिए। ये देखिए, यहाँ पर इसमें जो स्टफिंग है वो अच्छे से सील हुआ है या नहीं, उस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखिएगा। और फिर सेम प्रोसेस करनी है, हमें फिर से क्रैक फ्री बॉल बनाना है। हमें क्रैक कहीं पर भी अगर नज़र आती है तो वहाँ हमें फिर से स्मूथ करना होगा, ये चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। ये देखिए, एक स्मूथ बॉल बन के रेडी हो चुका है। ये इसकी साइज़ से डबल हो जाएंगे, जितने आपको ये अभी दिख रहे हैं उससे डबल हो जाएंगे फ्राई होने के बाद में। तो जितनी साइज़ आपको चाहिए उसके हिसाब से ही आप इसे बनाइएगा। तो अब यहाँ पर मैं आपको एक और छोटा सा तरीका बता देती हूँ कि एक और तरीका है इसका, मतलब इसे कैसे स्टफ़ किया जाता है। तो इस तरीके से फिंगर का ये वाला जो हिस्सा होता है उससे एक कटोरी जैसा शेप बना लीजिए, उसमें हम स्टफिंग का बॉल रख देंगे और इसको हम आसानी से सील कर लेंगे। तो दोनों तरीके वैसे तो सेम है, लेकिन मेरे को सेकेंड वाला जो है थोड़ा सा ईजी लगता है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप ये वाला तरीका यूज़ कर सकते हैं। सील प्रॉपरली कर लिया है मैंने और फिर से इसका स्मूथ बॉल बनाने की प्रोसेस रेडी हो चुकी है, और यहाँ पर हमने सारे बॉल्स हमारे बनके रेडी हो चुके हैं। तो ये अभी आप देख सकते हैं ये काफ़ी छोटे हैं अभी। यहाँ पर अब फ्राइंग की बात करते हैं। फ्राइंग के लिए हमें कौन सा पैन लेनी है, कौन सा कढ़ाई लेनी है, वो आपको मैं बता देती हूँ। तो मैं प्रेफर करती हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आपको डीप कढ़ाई लेनी होगी। अगर आप डीप कढ़ाई लेते हैं तो आपका ऑयल या घी जो भी आप लेंगे तो वो आपको कम लेना पड़ेगा। अगर आपने फ्लैट पैन या फ्लैट कढ़ाई कुछ ली है तो आपको बहुत ज़्यादा ऑयल लेना पड़ेगा गुलाब जामुन या काला जाम है उन्हें फ्राई करने के लिए। मैं यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक इसमें यूज़ करती हूँ, मैं जितना भी ऑयल लेती हूँ उसमें 1 बड़ा चम्मच या 2 बड़े चम्मच भर के घी ऐड कर देती हूँ। बहुत अच्छी खुशबू आती है घी जैसी ही,
अब यहाँ पर जो मिस्टेक है वो मैं बताती हूँ। मोस्टली क्या होता है कि यहाँ पर हम सोचते हैं कि काला जाम बना रहे हैं तो फुल फ्लेम पे हम इसे फ्राई कर देंगे। बिल्कुल भी ये मिस्टेक मत कीजिए। जब भी आप गुलाब जामुन या काला जामुन दोनों में से कुछ भी फ्राई करें, ऑयल का टेम्परेचर लो पे होना चाहिए, ऑयल का टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए और जो गैस की फ्लेम है वो लोएस्ट पे होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर ये है कि हम क्या करते हैं, हमें बहुत जल्दी होती है उसे घुमाने की, हमें डर लगता है कि कहीं स्पॉट ना पड़ जाए, बट स्पॉट पड़ेंगे ही। वो फ्राई हो रहे हैं तो जब आप इन्हें कढ़ाई में छोड़ते हैं तो ये थोड़ा सा स्पॉट तो आएगा ही, वो उसके बारे में कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपने कच्चे गुलाब जामुनों को कलछी टच कर दी तो फिर वो फट जाएंगे वहाँ से और आपका सारा ऑयल मैस हो जाएगा। इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर ऐसे डॉट्स बनते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे जाके हमें उन्हें फ्राई ही करना है, तो तुरंत कलछी नहीं लगानी है गुलाब जामुन पे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप चाहें तो ये गुलाब जामुन बनके रेडी हो चुके हैं, बट हम आज बना रहे हैं काला जाम, तो इसके लिए हम इसे थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। अब काला जाम बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको लो फ्लेम पे ही इसे फ्राई करते रहना है। जब आपके गुलाब जामुन बनके रेडी हो जाएं तब आपको क्या करना है, गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई के बीच में रखना है और इस तरीके से झारे को इस तरीके से गुलाब जामुन के ऊपर घुमाना है। चारों तरफ से ये अच्छे से घूमेंगे और इनका जो है तुरंत कलर डार्क हो जाएगा। अगर हम लो फ्लेम पे इन्हें फ्राई करते रहते हैं और फिर डार्क कलर लेके आते हैं तो काला जामुन जो है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे और चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ज़रूर से ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमारी जो चाशनी है वो हल्की गर्म है और हमारे काला जाम है वो एकदम गर्मा गर्म है। तो अब हम हल्की गर्म चाशनी के अंदर गर्मा गर्म गुलाब जामुन को इस तरीके से ऐड कर देंगे। ध्यान रखिएगा कि चाशनी और गुलाब जामुन अगर दोनों ठंडे हुए तो आपके गुलाब जामुन के अंदर तक चाशनी नहीं जा पाएगी, बहुत ज़्यादा हार्ड लगेंगे खाने में, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। चाशनी और गुलाब जामुन थोड़े गर्म होने चाहिए तो अच्छे से ये एक दूसरे के अंदर मिल सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप इसे 6-7 घंटे के लिए किचन काउंटर टॉप पर रख सकते हैं। मैंने इसे रखा था ओवरनाइट और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का मैं आपको आगे का क्लिप दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि काला जाम जो है चाशनी में ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, ऊपर तैर रहे हैं। इसका ये मतलब होता है कि परफेक्ट बने हैं, इसके अंदर की जाली जो है परफेक्ट बनी है, अंदर से एकदम जालीदार बने हैं, तभी ये फ्लोट करेंगे। अगर इनकी जाली नहीं बनी होगी तो ये बिल्कुल डूब जाएंगे। और यहाँ पर एक काला जाम मैं आपको दिखा देती हूँ। आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि ना ही इसका शेप चेंज हुआ है, और ये देखिए कई बार होता है ना कि हम फ्राई करते हैं तो इसका शेप जो है ऐसे एक साइड से दब जाता है, बिल्कुल भी वो वाली प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी अगर आपने सेम चीज़ सेम मेथड के साथ में फॉलो की है रेसिपी को। यहाँ पर मैं अगर इसे काट भी रही हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये बाउंस होके वापस आया है, इसने अपना शेप बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। इसकी तीनों लेयर्स आप बहुत अच्छे से क्लियरली देख पा रहे होंगे, ये देखिए मैं अगर इसे प्रेस करूंगी तो भी इसका शेप वापस वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था। तो यही होती है एक परफेक्ट गुलाब जामुन की जो साइंस होते हैं, जो निशानी होती है। तो काला जाम बहुत ही अमेजिंग बने हैं और ये रेसिपी को आप डिटो ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। दिवाली आ रही है और बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तो एक बार तो ये रेसिपी मेरी मेथड से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आप इसके फ़ैन होने वाले हैं क्योंकि इसमें मेहनत कम है, टाइम बहुत कम लगता है, आपको बहुत ज़्यादा डो को नीड नहीं करना है, फिर भी आपको परफेक्ट रिजल्ट मिल रहा है, तो इससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो परफेक्ट काला जाम की रेसिपी आपके सामने हाजिर है और बनाइए, मुझे कमेंट्स करिए अपने प्यारे प्यारे कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है और प्लीज़ डू ट्राई ये रेसिपी। मैं बहुत दिल से चाहती हूँ कि आप ये रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट भेजें कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो यहाँ तक देखा है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर मेरे चैनल पर नए हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट सैटरडे को एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के